हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस वीडियो में एमपी टेट भारत 2 के एनालिसिस के बारे में। एकदम रियल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें, और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें, जिन लोगों का आने वाले चैप्टर में एग्जाम है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें फ्रेंड्स। क्वेश्चन आज के जिन लोगों ने क्वेश्चन बताए थे, दिलीप सिंह, धोनी, राहुल, अतुल, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो भारत 2 में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा जीसी हिल्टन। कौन थे? जीसी हिल्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा बारहसिंगा। कौन सा है? बारहसिंगा है। बात करते हैं, सही उत्तर बारहसिंगा है, हिरण। बारहसिंगा के मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, जिन्हें दलदल हिरण के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा। राजकीय पशु कौन है? सफ़ेद लिल्ली। राजकीय पक्षी है दूधराज, और राजकीय मछली है महासीर। बात करते हैं आगे फ्रेंड्स, राजकीय वृक्ष है बरगद, राजकीय फल आम है, राजकीय खेल मलखम, और राजकीय फसल सोयाबीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा जीके खोखले, यानी कि जीके खोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, इस किसका नारा है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। यह नारा दिया था स्वतंत्र सेनानी लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के। बात करते हैं फ्रेंड्स, उनका नाम केशव गंगाधर तिलक रखा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के नाम से बुलाया जाता है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के कानून किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर है रोलैक्ट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर टाइगर किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान को। किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 1851 में स्थापित सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी की स्थापना बाबा दयाल दास ने की थी। निरंकारी सिख धर्म के एक संप्रदाय हैं जो रणजीत सिंह मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य के अंत और सिख इतिहास के बाद निरंकारी आंदोलन उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग टाइम किसने हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन जलियांवाला बाग का नरसंहार पश्चात टैगोर ने यह उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने। कब की थी? 1913 में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ड ब्लॉक की संस्थापक कौन है। तो राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था। तो राइट आंसर 1907 में। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बरउद्दीन तैयब जी। कौन है? बरउद्दीन तैयब जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा शिवजी। कौन थे? शिवाजी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच सके। आपको बता दें, चैनल पर आपको डेली एनालिसिस मिलेगा एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंपट मूर किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जहांदार शाह को। किसे? जहांदार शाह को लंपट मूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर नादर शाह को। किसे कहा जाता है? नादर शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकिंस। कौन थे? हॉकिंस थे मुगल दरबार में आने वाले प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। फ्रेंड्स, आपको बता दें, एक अनुच्छेद से क्वेश्चन आया था, वो याद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स कौन सा था, जो बताया नहीं गया स्टूडेंटों द्वारा। एक आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या एक राजस्थान का नृत्य पूछ लिया गया था। राजस्थान का नृत्य था कोई छप्पर नृत्य के नाम से था फ्रेंड्स। और एक फेस्टिवल हर उसमें आ रहा है फ्रेंड, फेस्टिवल से क्वेश्चन बनना है। और बात करते हैं बाल विकास, बाल विकास से अच्छे खासे क्वेश्चन बनना है और नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ से। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली ने। किसने की थी? लॉर्ड बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सार्वजनिक विभाग का निर्माण किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने सार्वजनिक विभाग का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मियो ने। किसने की थी? लॉर्ड मियो ने की थी। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, फ्रेंड्स जैसे कि करंट अफेयर 2023 की नहीं आ रही है फ्रेंड, 2023 की करंट अफेयर नहीं आ रही है, 2022 से करंट अफेयर पूछी जा रही है, 2022 की करंट अफेयर आ रही है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड एक अनुच्छेद से 102 क्वेश्चन 68 में पूछे जा रहे हैं पॉलिटी से, बाकी बाद बाल विकास से क्वेश्चन बन ही रहे हैं फ्रेंड, इतिहास से दो क्वेश्चन बन रहे हैं, 102 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है पॉलिटी से, 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन मिल रहा है फ्रेंड्स देखने को। आगे बात करते हैं जैसे कि ज्योग्राफी से 102 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। बात करते हैं रीजनिंग में फ्रेंड्स, सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन बन रहा है, सीरीज से क्वेश्चन बन रहा है 2 से 3, उसके बाद ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बन रहा है फ्रेंड्स, कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड्स, कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन बनना है। और फ्रेंड्स बात करते हैं कागज़ मोड़ने से, वो कागज़ मोड़ने का है उससे क्वेश्चन बनना है फ्रेंड्स, और एक मिरर से क्वेश्चन बनना है फ्रेंड्स, मिरर से क्वेश्चन बनना है फ्रेंड, नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन बनना है, किससे? नॉन वर्बल रीजनिंग से। आगे बात करते हैं मैथ में फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बनना है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बनना है, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज से क्वेश्चन देखने को मिला है, लाभ हानि से क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड्स। बात करते हैं ट्रेन से क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड्स, प्रतिशत से क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड्स, औसत से क्वेश्चन देखने को मिला है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स औसत के बाद बात करते हैं अनुपात समानुपात से क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड्स, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन देखने को मिला है, ये सब क्वेश्चन फ्रेंड्स देखने को मिला है हर चैप्टर में। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, आपको डेली एनालिसिस के लिए आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके।